वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आइए स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट लेक्चर लास्ट वीडियो है ये, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनमें से किसकी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और किसकी कम है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसके केस में हमें बताना है सी डबल बॉन्ड सी किसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। यहाँ पे भी हमें सी डबल बॉन्ड सी का बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें सीओ का बताना था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी का। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, जैसे ए और बी, इनमें किसकी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए की या बी की, ये बताना है सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है कि इसमें क्या है, लोन पेयर्स दिख रहे होंगे आपको, इसमें भी क्या होता है लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर रिपल्शन हो जाने की वजह से, यहाँ पे क्या होगी लोन पेयर रिपल्शन हो जाने की वजह से क्या होता है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज मोर एज कंपेयर टू ए। यहाँ पे लोन पेयर की रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये केस आप देख रहे हो, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं इसकी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ऐसे ही लिया था, बस और यहाँ पे और लिया, वहां पे और नहीं लिया था, वो वाला केस हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। क्या होता था कि यहाँ पे 6 मेंबर, यहाँ 5 मेंबर, यहाँ 4 मेंबर, ऐसे में 3 मेंबर ले लूं तो क्या होता था, बॉन्ड एंगल जिसका ज्यादा, उसका एस करेक्टर ज्यादा, जिसका एस करेक्टर ज्यादा होता था, उसकी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती थी। सेम इस केस में हमने यही लेना है। अब यहाँ पे अंदर का एंगल कम, इसका मतलब बाहर का एंगल ज्यादा होगा, बाहर का एंगल ज्यादा होगा, यहाँ पर बाहर का एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एस करेक्टर होगा, और जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और अगर ओ ना हो तब भी हमने ऐसे ही लेना है। तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं इसको ए मानू, इसको बी मानू, इसको सी मानू, तो ऑर्डर क्या होगा, सी का, फिर बी का और फिर ए का, मतलब सी की सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मोर है एंड देन बी एंड देन ए। अब बात करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम, इनको क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम साइक्लिक अमाइड, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक अमाइड। अब इसके केस में भी हमने क्या बताना है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने इसका बताया, जैसे बिना ओ वाले क्वेश्चंस का बताया, वैसे ही हम इसका डिस्कस करेंगे, इसमें भी क्या है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा और इसका कम और इसका इससे ज्यादा। ठीक है, इससे कम, सॉरी, तो इसको ए मानू, इसको बी मानू और इसको सी मानू, तो क्या होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फिर बी की और फिर ए की। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, पिछले दो क्लासेस में से में ही रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, करने का तरीका कंसेप्ट वही है, जैसे मैं फर्स्ट वीडियो में भी सिखाया, सेकंड में भी सिखाया, अब इसमें भी आपको बता रही हूँ कैसे करना है। हमें तो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से मतलब है, हाँ ना, उसके बाद जो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका देख लो। अब देखो इस पे लोन पेयर लगा देती हूँ, लगा दिए, इस पे लगे हुए, इस पे भी लगे, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, तो मतलब ये अपना 100% दे रहा है, ये अपना 100% कॉन्जुगेट करेगा। ठीक है, ये अपने लोन पे ये भी 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब ये वाला ये भी क्या है, 100% ही करेगा, और ये यहाँ पे भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और यहाँ पे भी करेगा, पार्शियली है, ये यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, मतलब 50% यहाँ, 50% यहाँ। अब हमने तो आंसर सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का देना है, तो हमें तो सीओ से मतलब है, तो मतलब 50% यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे 100% कर रहा है, ये यहाँ पे सीओ में 100% यहाँ से आ रहा है, 100% यहाँ से आ रहा है, तो मतलब टोटल हो गया 200%। ठीक है, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन जहां पर होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उसी की मैक्सिमम होगी, इसको ए मानो, इसको बी, इसको सी, तो सी की सबसे ज्यादा, फिर बी की और फिर ए की,
तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्लियर हो गए होंगे चार क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हमें OH की बात करनी है, OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पर फ्री है ये OH, ये वाला जो OH है ये फ्री है, फ्री OH है यहाँ, सॉरी यहाँ पे फ्री है, यहाँ है फ्री OH, यहाँ पे फ्री नहीं है। ये क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या करेगा ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब मैं यहाँ पर एक और ऐसा मोल OH यहाँ पे ले आऊं तो क्या करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। मतलब ये फ्री नहीं है, ये क्या दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। सेम यहाँ पे देखो, इसको छोड़ो एक बार, यहाँ पे देखो ये O यहाँ पे क्या दिखा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ क्या है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब हमें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से मतलब है किसकी ज्यादा किसकी कम, ए बी और सी मान लिया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पे ये फ्री कैसे है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए ऑर्थो पोजीशन पे। अब मैं इसका एक और मोल लेके भी आऊंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर, आप सोच रहे होंगे कि इंटरमोलिकुलर यहाँ क्यों नहीं हो रही, तो जैसे यहाँ पे इंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये स्टीरिक हिंड्रेंस दिखाएंगे, इतने बड़े बड़े ग्रुप है, स्टीरिक हिंड्रेंस दिखाएंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो मतलब ये OH फ्री है, मतलब ये तो किसी में पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहा है, तो इसकी सबसे ज्यादा आने वाली है क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो B की तो सबसे मैक्सिमम। तो ऐसे आप चार ऑप्शन देखोगे जिसमें B की सबसे ज्यादा, चार में से दो में क्या होगा B की सबसे ज्यादा होगी। अब उन दो में से हमें देखना है कि A की ज्यादा या C की ज्यादा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होता है इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, जब यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जो ये OH है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है वीक हो जाता है। बॉन्ड वीक हो जाने की वजह से सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी C की और उसके बाद A की, B देन A एंड देन C, B देन A एंड देन C, ये ऑर्डर आएगा। ठीक है, गचपच होगी बीच में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, अब आप ये फॉर्म देख रहे होंगे, ये सिस फॉर्म और ये ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ये डबल बॉन्ड, हमें सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है तो मैं इसको खोल देती हूँ। सबसे पहले सी ओ एच ग्रुप लगा हुआ था, सी ओ एच ग्रुप को मैं खोल के लिख सकती हूँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, डबल सिंगल डबल ये यहाँ ऐसे होगा, तो मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, तो C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ कम हो रही है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होंगे ना, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, ये ग्रुप भी यहाँ, ये ग्रुप भी इतना बड़ा यहाँ पे, तो ये क्या क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, करेंगे ना, ये रिपल्शन क्रिएट करेंगे, रिपल्शन की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री है, जो ये आपको दिख रहा था यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, वो नहीं होगा, प्लैनरिटी जो थी वो डिस्टोर्ट हो जाएगी, प्लैनरिटी जो थी यहाँ पर वो डिस्टोर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम, सी डबल बॉन्ड ओ का भी, इसको मैं खोल देती हूँ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो सी ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे डिस्टर्ब हो ही नहीं रही, डिस्टर्ब हो नहीं रही, तो इसका क्या मतलब यहाँ पे मैक्सिमम। तो इन दोनों के केस में सी ओ स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सिस वाले की ज्यादा एज कम्पेयर टू ट्रांस, क्योंकि ट्रांस वाले में कॉन्जुगेशन पॉसिबल थी, यहाँ रिपल्शन हो जाती है, प्लैनरिटी डिस्टोर्ट हो जाती है, डिस्टोर्ट हो जाने की वजह से कॉन्जुगेशन होती नहीं है, कॉन्जुगेशन होती नहीं है तो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ओ लेके आपको करवा चुकी हूँ, अब ओ की जगह मैंने सी एच टू लगा दिया, ओ की जगह CH2 लगा दिए, O वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा O वाला सिखाया। ठीक है, मैंने CH2 लगा दिया, CH2 लगा दिया, उसके बाद हमें बताना है कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो सेम जैसे हमने ये वाला किया सेम हमने वैसे ही यही करना है।
तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम अंदर वाला, इसका मतलब बाहर वाला ज्यादा, बाहर वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा, यहाँ पे सबसे कम। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा एस करेक्टर उसका सबसे ज्यादा, एस करेक्टर जिसका सबसे ज्यादा उसका क्या ज्यादा, उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आईओ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दिस। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी कम है, सेम वही क्वेश्चन है। बस इसमें आप ये बड़े बड़े ग्रुप देख के डरना मत, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, देखो ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा होगा, ये छोटा ग्रुप, फिर थोड़ा सा बड़ा ग्रुप, फिर यहाँ पे ये वाले तो सेम है, यहाँ पे इससे थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ये एक और मिथाइल लगा दिया ना, तो मतलब कहाँ पे ज्यादा बल्किनेस है आपको ये लग रहा होगा, ये वाले में ज्यादा एंगल है, ज्यादा एंगल है तो ज्यादा एंगल है तो एस करेक्टर इसका सबसे ज्यादा, एस करेक्टर सबसे ज्यादा तो से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत आंसर हो जाने वाला, ऐसा नहीं होता है। देखो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप कहाँ है, यहाँ है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज्यादा यहाँ होगी, हिंड्रेंस होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, तो मतलब ये रिपेल कर रहे हैं दूसरे को, तो मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो सबसे ज्यादा दूर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। मान लीजिए कि पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हो जाएंगे, है ना, तो मतलब सीधा सीधा हो जाएंगे, तो मतलब इसमें बॉन्ड एंगल, इसको मैं थीटा थ्री नाम दे दूं, इसको थीटा टू और इसको थीटा वन दे देती हूँ, दे दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा दूर जाएंगे तो ये वाला एंगल सबसे कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा बॉन्ड एंगल, तो मतलब थीटा वन का सबसे ज्यादा, फिर थीटा टू का, फिर थीटा थ्री का, तो सिर्फ जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा उसका एस करेक्टर ज्यादा, उसका एस करेक्टर ज्यादा इसका मतलब स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज्यादा, तो मतलब इसको ए नाम दू, इसको बी दू और इसको सी दू, तो किसका सी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ए की ज्यादा, फिर बी की और फिर सी की, ठीक है। हमने स्टीरिक फैक्टर से किया है क्वेश्चन, रिपल्शन ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये वाला एंगल जो था इनके बीच में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा तो एस करेक्टर कम हो जाएगा, एस करेक्टर कम हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आईओ स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।